ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगर हम किसी रिएक्शन में क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की एडिंग कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, हमारा ऑक्सीडेशन होगा। द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो मतलब वहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तब भी ऑक्सीडेशन कहलाया जाएगा, अगर वहाँ पे हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो तब भी हमारा ऑक्सीडेशन कहलाया जाएगा। रिडक्शन क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। वहाँ पे हम ऑक्सीजन ऐड कर रहे थे बट यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन। और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस इज आल्सो कॉल्ड रिडक्शन। वहाँ पे हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे थे ऑक्सीडेशन में, बट रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव करेंगे तो हमारा क्या कहलाया जाएगा, रिडक्शन। अब हम इनके दोनों को एजेंट पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन। वहाँ पे हम अगर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तो वो हमारा क्या कहलाया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेम वहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो हमारा क्या कहलाया जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका अपोजिट हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर हम वहाँ पे हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, अगर वहाँ पे रिमूव्स कर रहे हैं क्या, ऑक्सीजन, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो वो उसका अपोजिट हो गया। इसको हम आगे और क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से। सबसे पहले ये हम देख लेते हैं जो डायग्राम है, ये हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है, तो ये एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं किसका है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया है, कॉपर लिया है। कॉपर कितना लिया है, 1 ग्राम लिया है, और कॉपर का जो कलर है वो क्या है, हमारा रेड ब्राउन है। कौन सा कलर है, रेड ब्राउन। फिर इसको हम हीट करेंगे, ऑक्सीजन तो हमें एयर से मिल जाएगी, जब हम इसको हीट करेंगे तो वहाँ पे ब्लैक कलर का क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो इसको ही हम यहाँ पे करते हैं, जब हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से पास करेंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा, हमारा कॉपर प्लस वाटर। तो देख लेते हैं कैसे होगा। जब हमने ये वाला रिएक्शन किया कॉपर ऑक्साइड का प्लस हाइड्रोजन गैस का, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से क्या हुआ, हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है। सेम यहाँ पे H2 पे क्या हुआ, ऑक्सीजन आ गया। जब यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन, ये हमने पहले पढ़ा था। सेम यहाँ पे एक और सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, जब हाइड्रोजन सल्फाइड, यहाँ पे H2S क्या है, हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड है, इसमें हमने क्या करा है, क्लोरीन करा है। क्लोरीन ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा, जो हमारा क्या कहलाया जाएगा, ऑक्सीडेशन। और सेम क्लोरीन में क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन ऐड होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब रिडक्शन। होप आपको ये वाला एग्जांपल समझ में आया होगा। अगर कोई कमी होगी इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम होगी जब भी कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।